जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीआर शर्मा पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भाग सीखने वाले हैं, लेकिन भाग सीखने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, पहली भाग को करने से पहले मैं आपको लास्ट भाग के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ये वाली भाग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ऐसी एक भाग है जिसको आपने अभी तक नहीं सीखा होगा। अगर इस भाग को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलो, अब हम लोग पहली भाग को सीखते हैं। क्या हमें दो से भाग देना है? किसको देना है? 68 को देना है। किसको देना है? 68 को देना है। तो जब भी दोस्तों हम लोग भाग करेंगे ना, तो हम सिर्फ इधर की पहली संख्या को देखेंगे, कौन सी है। यहां पर 6 है और यहां पर कौन सी संख्या है? 2 है। अब दोस्तों हम इन दोनों संख्याओं में ये देखेंगे कि इनमें से ये वाली संख्या बड़ी है या ये वाली संख्या बड़ी है। तो आप सभी लोगों को पता होगा, ये वाली जो संख्या 6 है ये बड़ी संख्या है और ये 2 छोटी संख्या है। अब ये क्या करना पड़ेगा, हमें 2 का पड़ाव इतनी बार पढ़ना पड़ेगा कि 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो, हम 2 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 3 6। कितनी बार 2 का पहाड़ा पढ़ा हमने? 3 बार पढ़ा। 3 बार पहाड़ा पढ़ा, जितनी बार हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं उतना हम यहाँ पर लिख देते हैं। और कितना आया? 6 आया। तो 6 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। चलो कर लेते हैं। 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचा तो हमने यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सी संख्या है? 8। यहाँ पर तो कोई संख्या है नहीं, तो इस संख्या को हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। तो हम 8 को यहाँ पर उतार लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि 8 बड़ी संख्या है या 2 बड़ी संख्या। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 8 बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या है। तो हम क्या करें, हम 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, 8 से कम आ जाए, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चक्कू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 चक्कू 8। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा हमने? 4 बार। तो 4 बार पहाड़ा पढ़ा, 4 हम यहाँ पर लिख देंगे और 8 दोस्तों जो आया है, 8 को हम यहाँ पर लिख देंगे। आप क्या करेंगे, आप इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो 8 में से 8 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो कुछ इस तरीके से हमने एक भाग को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने एक भाग को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी भाग की तरफ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। हर एक भाग को मैं बहुत ही आसान भाषा से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, 3 से हमें भाग देना है किसको? 129 को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली संख्या को देखेंगे कौन सी है? 1 है और यहाँ पर कौन सी है? 3 है। अब देखेंगे 1 बड़ी संख्या या 3 बड़ी संख्या। तो आप सभी लोगों को पता होगा, 1 बड़ी छोटी संख्या होती है और 3 बड़ी संख्या है। तो इसका भाग तो इसमें नहीं जा पाएगा क्योंकि ये वाली संख्या छोटी है। दोस्तों, इसका भाग तभी जा पाएगा, अब यहाँ पर हमें बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी। जब तक यहाँ पर बड़ी संख्या नहीं होगी तब तक इसका भाग इसमें नहीं जा पाएगा। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 संख्याओं को लेंगे। अब हम 1 और 2 को जब लेंगे तो संख्या बन जाएगी पूरी 12। तो हम 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए या 12 से कम आ जाए, लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 3 का पहाड़ा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चक्कू 12। देखा दोस्तों कितने बार पढ़ा पड़ा? 3 का पढ़ा, 4 बार पढ़ा और कितना आ गया? 12। अब 4 बार पढ़ा पड़ा, 4 हम यहाँ पर लिख देंगे और 12 दोस्तों जो आया है, 12 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इस संख्या को माइनस कर लेते हैं। 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 1 में से 1 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो कुछ इस तरीके से हमने एक स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर कोई संख्या है नहीं तो इस संख्या को हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस संख्या को उतारेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसका पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए, 9 से कम आ जाए, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 आ गया ना। कितनी बार पढ़ा पड़ा? 3 बार। 3 हम यहाँ पर लिख देंगे और 9 दोस्तों जो आया है, 9 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो 9 में से 9 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो कुछ इस तरीके से हमने 2 भागे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब ये 2 भागे तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों हम इन 2 भागों को भी सीख लेते हैं। तो दोस्तों अब ये रहे 2 सवाल। ठीक है, हम सबसे पहले इस सवाल को सीखेंगे, फिर हम लोग इस सवाल को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, हमें 5 से भाग देना है किसको? देना 208 को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या देखेंगे कौन सी है? 2 है। यहाँ पर 5 है, ये बड़ी संख्या या छोटी संख्या? तो यहाँ पर भाग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बड़ी संख्या बनाना पड़ेगा। बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 संख्याओं को लेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पर 2 संख्याओं को लेंगे, संख्या बन जाएगी 20। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 आ जाए, 20 से कम आ जाए, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 5 का पहाड़ा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15,
पाँच चक्कू 20। दोस्तों देखिएगा, पाँच का पढ़ा हमने कितनी बार पढ़ा, चार बार पढ़ा, कितना आ गया 20 आ गया। अब चार बार पढ़ा पढ़ा चार हम यहाँ पर लिख देंगे और 20 दोस्तों जो आया 20 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों इस संख्या में से इस संख्या को माइनस करेंगे, जीरो में से जीरो जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा, दो में से दो जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, एक स्टेप को कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों हम यहाँ पर कोई संख्या है नहीं और यहाँ पर संख्या है, तो इस संख्या को हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं, तो आठ को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब पाँच का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि आठ आ जाए, आठ से कम आ जाए लेकिन आठ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पाँच कम पाँच, पाँच दूनी दस, दस आठ से ज़्यादा हो गया और पाँच के पहाड़े में आठ आया नहीं। तो दोस्तों हम इस स्थिति में क्या करते हैं, आठ से कम वाली संख्या को लिखते हैं। तो आठ से कम वाली संख्या कौन सी है, पाँच है, तो पाँच को यहाँ पर लिख देंगे। तो पाँच कम पाँच एक बार पढ़ा पढ़ेंगे, तो एक हमने यहाँ पर लिख दिया और पाँच को दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आठ में से पाँच को अब माइनस कर लेंगे, तो आठ में से पाँच जाएगा तो तीन बचेगा। अब दोस्तों ये पाँच से छोटी संख्या है तीन, और इसके आगे कोई संख्या है नहीं कि बड़ी संख्या को यहाँ पर बना सकें। तो ये हमारा जो बचेगा, ये हमारा जो बचेगा वो शेषफल बच जाएगा। क्या बच जाएगा दोस्तों, यही हमारा शेषफल बच जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर तीसरी सवाल मतलब भाग को भी कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते अपने चौथे सवाल की ओर। सात से हमें भाग देना है 240 को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या देखेंगे कौन सी है, दो है, यहाँ पर सात है, ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या, तो इसका भाग तो इसमें नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो संख्याओं को लेना पड़ेगा। तो सात का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 24 आ जाए या 24 से कम आ जाए, लेकिन 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सात कम सात, सात दूनी 14, सात त्या 21, सात चौक 28, 28 दोस्तों 24 से ज़्यादा हो गया और सात के पहाड़े में 24 आया नहीं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 24 से कम वाली संख्या को लिखेंगे जो 24 के पास में, वो कौन सी, 21, तो 21 को लिखेंगे। सात एकम सात, सात दूनी 14, सात त्या 21, तीन हम यहाँ पर लिख देंगे और 21 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब 24 में से 21 को माइनस कर लेंगे, तो चार में से एक जाएगा तीन बचेगा, दो में से दो जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर तीन है, यहाँ पर सात है, ये छोटी संख्या है या बड़ी संख्या, तो यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग अगली संख्या जीरो को यहाँ पर उतार लेंगे। तो अब जैसे ही जीरो को उतारा संख्या बन गई तीस। अब सात का पहाड़ा पड़ेंगे कि तीस आ जाए या तीस से कम आ जाए, लेकिन तीस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सात एक कम सात, सात दूनी 14, सात तैन 21, सात चौक 28, सात बचे 35, 35 30 से ज़्यादा हो गया तो इसको तो हम लिख नहीं सकते, और 30 सात के पहाड़े में नहीं आया। तो दोस्तों हम क्या करें, 30 से कम वाली संख्या कौन सी, 28, और 28 को लिखेंगे। सात एक कम सात, सात दूनी 14, सात तैं 21, सात चौक 28, चार बार पहाड़ा पड़ा हमने, चार हम यहाँ पर लिख देंगे और 28 दोस्तों जो आया 28 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जीरो में से आठ जाएगा नहीं, तो दस लेंगे, हाँ से लेंगे, अब दस, दस में से आठ जाएगा बचेगा दो, यहाँ पर तीन था इधर हाँ से ले जाते, यहाँ पर बचेगा दो, दो में से दो जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर दो बचा है, यहाँ पर है सात, ये छोटी संख्या, यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए कोई आगे संख्या है नहीं, तो यही हमारा जो है वो शेषफल बच जाएगा। क्या बच जाएगा हमारा शेषफल दोस्तों, जो है हमारा वो यही बच जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने ये चारों की चारों भागों को कंप्लीट कर लिया है। सो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।